दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडियन नेवी द्वारा हाल ही में 7 चाइनीज नेवी का जहाजों को इंडियन ओशन रीजन में स्पॉट किया गया। चाइनीज नेवी का ये जहाज इंडियन ओशन में क्या कर रहा था और चाइना के मन में क्या मंसूबा है, इंडियन नेवी द्वारा इन जहाजों को कैसे डिटेक्ट किया गया और इन्हें काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी की तरफ से क्या प्रिपरेशन किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं हुआ अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं डिटेल में। कम से कम 7 चाइनीज जहाजों को इंडियन ओशन रीजन में ऑपरेट करते हुए देखा गया है, जिनमें एक 27,000 टन का एम्फीबियस जहाज भी शामिल है। इन जहाजों को ट्रैक करने के लिए इंडियन नेवी द्वारा अमेरिकन ओरिजिन का P-8I मैरिटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया। ANI न्यूज रिपोर्ट के तहत हमें जानने को मिल रहा है कि इंडियन नेवी द्वारा Xian-32 नामक एक चाइनीज एम्फीबियस जहाज को इंडियन ओशन रीजन के दक्षिणी क्षेत्र में देखा गया, जबकि जहाज द्वारा उसके बाद श्रीलंका का समुद्री क्षेत्र में एंटर किया गया था। इंडियन नेवी का P-8I मैरिटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट एक लॉन्ग रेंज एयर टू सी सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, जिसके मदद से इंडियन नेवी इन जहाजों के ऊपर नजर रख रहा है। इंडियन नेवी 24 घंटा पेट्रोलिंग के सहारे चाइनीज नेवी के इन जहाजों के ऊपर कड़ी नजर रखा हुआ है। एम्फीबियस असॉल्ट जहाज के अलावा इंडियन नेवी द्वारा और 6 अन्य जहाजों को ट्रैक किया गया, जिनमें 3-3 ग्रुप का 2 ग्रुप है और एक ग्रुप बिलोंग करता है चाइनीज नेवी का एंटी-पायरेसी टास्क फोर्स 32 और दूसरा ग्रुप बिलोंग करता है एंटी पायरेसी टास्क फोर्स 33 से। इन जहाजों को गल्फ ऑफ एडन में डिप्लॉय किया जा सकता है, जहां पे जहाजों द्वारा एंटी पायरेसी मिशनों को अंजाम दिया जाएगा। चाइनीज नेवी का इन जहाजों को इंडियन ओशन में एंटर करने के समय से ही ट्रैक किया जा रहा है, जबकि इंडियन ओशन में इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के करीब से गुजरने के समय में भी इसे बारीकी से नजर रखा जाएगा। चाइनीज नेवी का कहना है कि इन जहाजों द्वारा चाइना गल्फ ऑफ एडन में पायरेसी एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए डिप्लॉयमेंट कर रहा है, जबकि बहुत लोगों का मानना यह है कि ये डिप्लॉयमेंट एंटी पायरेसी एक्टिविटी से बढ़ के इंडियन ओशन में चाइना का प्रभुत्व को बढ़ाने को दिखा रहा है। अब तक चाइना द्वारा कभी भी एक साथ 7 जहाजों को एंटी पायरेसी मिशन के लिए डिप्लॉय नहीं किया गया है और ये पहली बार है कि चाइना द्वारा इतना हैवी डिप्लॉयमेंट इंडियन ओशन में हुआ है। सोर्सेस का कहना है कि चाइनीज नेवी का इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट इंडियन ओशन रीजन में जो वाइटल चेक पॉइंट है उस पे नजर रखने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस को इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इंडियन ओशन रीजन से दुनिया का बहुत बड़ा मात्रा में ट्रेड होता है और ये ट्रेड के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ट्रेड रूटों में से बहुत सारा ट्रेड रूट का चेक पॉइंट इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बहुत करीब है, जिस वजह से इन ट्रेड रूटों के ऊपर इंडिया का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है और चाइना नहीं चाहता है कि इस रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़े। इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट ये भी दर्शाता है कि चाइना द्वारा जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है उसे भी इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया जा सकता है, जबकि चाइना के पास फिलहाल अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है और चाइनीज मीडिया के मुताबिक इस साल के अंत तक चाइनीज नेवी में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल होने जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो चाइनीज नेवी के द्वारा जिबूटी में भी एक बेस बनाया गया है, जो साउथ अफ्रीकन एक कंट्री है और इंडियन ओशन रीजन में ये कंट्री बिलोंग करता है, जिससे चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में ओपन एक बेस मिल गया है, जिससे चाइना अपने एक्टिविटीज को इंडियन ओशन में बढ़ाने में मदद कर सकता है। वही पे दोस्तों अगर इंडियन नेवी को देखे तो इंडियन नेवी को इंडियन ओशन रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए एक ही समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऑपरेशनल रखना जरूरी है, जिस वजह से इंडियन नेवी को कुल मिला के 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का जरूरत है, जिससे हर समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल रह पाए, जबकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस के लिए बेस में रहेगा। दोस्तों फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे हम INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। INS विक्रमादित्य रशियन नेवी का एक की क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर का मॉडिफाइड वर्जन है, जिसे रशिया से इंडिया ने 2012 में खरीदा था और अपने लिए मॉडिफाइड भी किया था, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन लगभग खत्म हो चुका है और आने वाले समय में ये इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। इंडियन नेवी द्वारा तीसरा 60,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का एक प्लान किया गया है, जिसे INS विशाल का नाम दिया गया है, पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर कब तक इंडिया को बनके मिलेगा इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दिया गया है। वहीं पे चाइना को देखें तो चाइना के प्लान के तहत 2030 तक
तक चाइनीज नेवी अपने बेड़े में 6 एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करना चाहता है, जबकि 2050 तक चाइनीज नेवी में 10 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हो सकता है। दोस्तों 2008 से चाइनीज नेवी द्वारा इंडियन ओशन में अपना डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है और ये डिप्लॉयमेंट का नाम एंटी पायरेसी ऑपरेशन रखा गया था, जहां पे दुनिया के सामने डिप्लॉयमेंट को इंडियन ओशन में पायरेसी को कंट्रोल करने के लिए दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे मेन मकसद इंडियन ओशन में अपना प्रभुत्व बढ़ाना है। और इसमें जीबूटी बेस भी सबसे ज्यादा मदद करता है, क्योंकि इस बेस के द्वारा ही चाइना अपने जहाजों का रिफ्यूलिंग और रीआर्म्ड के साथ साथ राशन का सप्लाई भी करता है, जबकि चाइनीज नेवी का न्यूक्लियर पावर सबमरीनों को भी यहाँ पे डॉक करने के लिए फैसिलिटीज बनाया जा रहा है। इसके अलावा चाइनीज नेवी इंडियन ओशन में ऑपरेट करने के लिए इंडियन ओशन में स्थित बहुत सारे देशों को कर्जा देके वहाँ का जगह हथियाने का भी कोशिश कर रहा है, जिनमें श्रीलंका का हम्बन टूटा एक बहुत बड़ा चाइनीज बेस बन चुका है। जबकि माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में चाइना द्वारा ग्वादर बेस को भी टेक ऑफ कर लिया जाएगा, जो पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान में है। दोस्तों इंडियन नेवी द्वारा इंडियन ओशन में पायरेसी को रोकने के लिए और चाइनीज एक्टिविटी के ऊपर नजर रखने के साथ साथ चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी कम करने के लिए एक्टिविटीज किया जा रहा है, जिनमें एंटी पायरेसी एक्सरसाइज और दूसरे देशों के साथ मिलके नेवल एक्सरसाइजेस भी शामिल है। पिछले साल से इंडियन नेवी द्वारा इंडियन ओशन में सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर का भी रोल निभाया गया है। इंडियन नेवी द्वारा ही पिछले साल बहुत सारा मिशन किया गया है, जिनमें मिशन गोल्फ द्वीप जो कि पर्शियन गोल्फ में हुआ था, इसके अलावा मिशन सेंट्रल द्वीप जो कि सेंट्रल इंडियन ओशन रीजन में हुआ था, फिर शामिल है नॉर्थ द्वीप जो कि नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में हुआ था, इसके अलावा मालदीव जो अंडमान निकोबार सी में किया गया था और मराक्का स्ट्रेट तक फैला हुआ ऑपरेशन किया गया। दोस्तों पिछले कुछ सालों से इंडियन नेवी अपने कदम को इंडियन ओशन रीजन में काफी ज्यादा बढ़ा चुका है, जिससे चाइनीज इन्फ्लुएंस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा इंडियन नेवी द्वारा इंडियन ओशन रीजन में छोटे छोटे देशों का सिक्योरिटी भी किया जाता है, जिनमें मॉरिशियस, मदागास्कर और मालदीव जैसे देशों के अलावा ओमान, श्रीलंका और साउथ अफ्रीकन कुछ देश भी शामिल है। इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के कदम को मजबूत करने के लिए फ्रांस और अमेरिका द्वारा काफी ज्यादा मदद किया जाता है, जिनमें रेगुलर एक्सरसाइजेस के साथ साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है। और इसके अलावा इंडिया को सबसे ज्यादा मदद मिलता है जापान और ऑस्ट्रेलिया के तरफ से, जहां पे जापान द्वारा इंडिया को पैसिफिक ओशन में ऑपरेट करने के लिए मदद किया जाता है, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंडियन ओशन रीजन का दक्षिण में स्थित एरिया में नजर रखने के लिए इंडिया को मदद प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सबसे बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।